कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, टिकट कटने से नाराज हैं अनूप नाग पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ में। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समर्थकों के साथ में उन्होंने नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची हैं। बता दें कि कांकेर जिले की अंतागढ़ सीट से वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस के वर्तमान विधायक है अनूप नाग, जिन्हें टिकट नहीं दी गई है। टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं और कांग्रेस ने अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटा है, इसी से वो नाराज चल रहे हैं। और बता दें कि रूप सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इस बार घोषित किया है, उसी से वो नाराज चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कांकेर से, जहां पर अनूप नाग अब उन्होंने बगावती सुर बदल लिए हैं और बता दें कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। रूप सिंह पोटाई को इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। अनूप नाग और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने अनूप नहीं तो कोई नहीं के नारे भी लगाए थे। और बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में पीसीसी चीफ के समक्ष में उन्होंने नारे लगाए थे। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर टिकट कटने से नाराज अनूप नाग ने बगावत कर दी है पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ में। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म लिया है। और बता दें कि कांकेर जिले की अंतागढ़ सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को धरातल पर लाया। और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। लगातार जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है, मेरे पूरे परलकोट क्षेत्र के, अंतागढ़ विधानसभा के क्षेत्र, सुदूर गांव के माता बहनें सब आहत हैं और लगातार फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जब मैं टिकट से वंचित हो गया कहने के बाद, वही जनता, वही वोटर्स, वही मेरे लोग मुझे लगातार कहते रहे कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसी लोगों का पालन करता हूँ। हमारे राज पार्टी के साथ आपका बात हुई है? किसी भी कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही मैं किसी के पक्ष में जाने वाला हूँ। मैं जनता, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो वो चाह रहे हैं, मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव फाइट करने। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनूप नाग ने अब बगावत कर दी है, वो अपना नामांकन फॉर्म लेने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। कांग्रेस ने अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटा है, इसी से वो नाराज चल रहे हैं। बता दें कि रूप सिंह पोटाई को कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, अनूप नाग ने अब बगावत शुरू कर दी है, अब वो अपना नामांकन फॉर्म लेने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि इसी बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने अभी फॉर्म लिया है, भरा नहीं है, मुझे विश्वास है कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। अगर वो पार्टी लाइन से बाहर जाते हैं तो कांग्रेस को कितना नुकसान होगा अनूप नाग के बाहर जाने से? देखिए, अंतागढ़ से जो अनूप नाग की टिकट कटी है तो वो उसके बाद वो अभी तक तो खामोश थे, लेकिन अचानक आज जो है ये दूसरी सूची आनी है, दूसरी सूची कल भी नहीं आई थी किसी कारण से, तो आज उन्होंने जो नामांकन पत्र तो खरीदा है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अब उनके तेवर जो है वो नहीं है, अब वो बगावत करने पर उतर आए हैं। और अकेला एक अनूप नाग नहीं, चेहरा नहीं है, बहुत सी जगह से ये बात आ रही है सामने। और खास करके जो आप पार्टी ने अभी तक टिकट रोक के रखी है, वो ऐसा लगता है करके कि वो कांग्रेस की बगावत का इंतजार कर रहे हैं। जी मनीष जी, बिल्कुल सर, लेकिन एक खबर ये भी है कि कांग के राजनांदगांव समेत जो तमाम सीटें हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगी, लेकिन एक खबर ये भी है कि वो इसी दौरान अनूप नाग भी अपना नामांकन दाखिल आज ही कर देंगे। क्या वो जो सूची है कांग्रेस की, दूसरी सूची, उसके आने का इंतजार करेंगे या नामांकन भर देंगे आज? नहीं, देखिए, अनूप नाग ने तो नामांकन पत्र खरीदा है, अब वो आज करते हैं कल करते हैं अलग बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के सारे प्रत्याशी जो है कांकेर जिले के,
वो सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे। तो वो एक कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, अगर अनूप नाग अगर बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो उस बगावती तेवर को न्यूट्रलाइज करने की, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अनूप नाग जो है वो सरकारी कर्मचारी थे, पुलिस में थे, पुलिस से जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर पद, इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने जो है चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मुसेंडी को उन्होंने हराया था। तो उनका क्लेम तो बनता था कि वो उस उनको टिकट मिली उनको टिकट दी जाए, लेकिन अचानक टिकट कटने से वो भी नाराज हैं और नाराजगी कांग्रेस का जो है वो परंपरागत हथियार है, गुटबाजी जो है कांग्रेस की जो है परंपरा है। तो इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि वो नामांकन अगर पत्र उन्होंने खरीदा है तो वो फॉर्म जरूर भरेंगे, और अगर वो फॉर्म भरते हैं तो फिर ये शुरुआत होगी कांग्रेस की, ये अंत नहीं होगा बगावत का, ये शुरुआत होगी। और बहुत से विधानसभाओं में जो है इस तरह का असंतोष चल रहा है जहां फिर सामने में तेवर आएंगे इसी तरह के। मनीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कांकेर से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर टिकट कटने से नाराज चल रहे अनूप नाग ने बगावत शुरू कर दी है। कांकेर जिले की अंतागढ़ सीट से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के वर्तमान विधायक है अनूप नाग, और बता दें कि कांग्रेस ने अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटा है, इसी से वो नाराज चल रहे हैं। और रूप सिंह पोटाई को कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार घोषित किया है। अनूप नाग और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, और ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से अनूप नाग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं।